एवरीवन, मैं लेकर आ गई हूँ मीशो हॉल और इसमें ना मिक्सअप है जो मैं लेकर आई हूँ। और ये जो मैंने वेयर किया है ये भी मीशो से ही मंगवाया था और इसका मैं पूरा यहाँ पे दिखा देती हूँ ये कैसा आया था, क्या है कपड़ा बाकी पूरा। और क्योंकि ये मैंने वेयर किया है, इसका कपड़ा ना बहुत ही प्यारा है और कंफर्टेबल है समर के हिसाब से, जैसा कि अभी सावन चल रहे हैं और आप 30 पे या रक्षाबंधन पे कुछ गर्लिस वाला चाहते हैं तो लड़कियों के लिए बहुत ही बेस्ट है ये समर के हिसाब से। और इसके नीचे व्हाइट प्लाजो मिल जाता है तो मैं यहाँ आपको दिखा दूंगी तो वो देख लेना, बाकी मैं आगे दिखा देती हूँ। और मैंने क्या परचेज किया है देख सकते हैं, इतना कुछ परचेज किया है और क्या क्या है। तो सबसे पहले वन बाय वन मैंने पैकेजिंग खोल रखी थी क्योंकि आने में ना इनको 10 दिन लग गया था, तो मुझे लगा जो ठीक है ठीक है, नहीं तो रिटर्न करने में दिक्कत करती, तो इसलिए। तो ये देख सकते हैं ये मैंने मंगवाई है, हाई वेस्ट पैंट चल रही है लैक्रा में, तो वो मैंने मंगवाया है। एक ही मैंने मंगवाया है लैवेंडर कलर, तो बहुत ही प्यारा आया है लेवेंडर कलर। और मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मंगवाया है, साइज़ है मेरा 28, तो 28 मैंने मंगवाया है। इसमें साइज सारे अवेलेबल है तो जो भी आपको अच्छा लगे, तो मैं कोड दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चेकआउट कर लेना। तो ये देख सकते हैं और इसमें ना यहाँ पे ये बटन दी हुई है और ये जिप दी हुई है। लेंथ बहुत अच्छी है इसकी, 38 इंच लेंथ है, जैसा कि आपको अल्टर नहीं करवाना पड़ेगा। अरे मेरे 5 फुट के हैं ना तो आपको अल्टर नहीं करवाना पड़ेगा, अगर 5 फुट से अबव है तो फिर ये आपके लिए छोटी पड़ेगी, तो वो देख लेना क्योंकि जिस हिसाब की मेरी हाइट है उस हिसाब से ये लेंथ इसकी परफेक्ट है। अगर मेरी हाइट से लंबे हैं आप तो ये आपके लिए बेस्ट नहीं है, तो आप दूसरी लेंथ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी आई थी और मैं यहाँ पिक शो कर दूंगी, ये पहन के कुछ इस तरीके का लगता है। इसके बाद मैंने ब्लैक मंगवाई थी, ब्लैक मैंने पहले मंगवाई थी तो वो ना बटन वाली मंगवाई थी, बटन वाली तो नहीं आई, जैगिंग टाइप आ गई थी, फिर वो मैंने रिटर्न करी। फिर मेरे को ये मंगवाई है मैंने, बट ये थोड़ा सा लूज है, इसमें भी बटन नहीं दी है मीशो वालों ने। और ये देखिए इसके ना यहाँ से सेम साइज पैंट का जैसा है, यहाँ जिप नहीं है बट शो पीस दे रखा है और यहाँ ऊपर से ऐसे है। इसका भी फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, इसकी लेंथ थोड़ी उससे लंबी है, इसकी 40 इंच इसकी लेंथ है, तो आप अगर 5'4" के हो, 5'5" के हो तो आप इसको वेयर कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रिप है और पैंट भी बहुत ही प्यारा, कपड़ा बहुत ही प्यारा, कंफर्टेबल है समर के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली ये भी परचेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। तो एक मैंने ये मंगवाया था, इसके बाद मैंने साड़ी मंगवाई थी, साड़ी बहुत ही प्यारी आई थी, मैंने यहाँ ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। साड़ी मुझे फोटो देखते ही ना बहुत ही प्यारी लगी, तो मैंने रिव्यू देखे तो मैंने कहा देखती हूँ, मंगवा के देखती हूँ ओरिजिनल वैसा आता है कि नहीं आता, क्योंकि इसका ब्लाउज बड़ा मस्त है और साड़ी मक्खन जैसी लगती है पहन के। ब्लाउज सिलवा लूंगी ना तो डेफिनेटली एक इससे ना मेकअप ट्यूटोरियल डालूंगी। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं इसका फैब्रिक जॉर्जेट है और ये इसका ब्लाउज है, देखिए खोलते ही ना इसका थ्रेड वर्क है, बहुत ही प्यारा था और इसका ब्लाउज का पैटर्न भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। बस ये है कि इसमें बैक कुछ भी नहीं है, बैक प्लेन है और फ्रंट ये है, तो ब्लाउज मैं खुद ही सिलने वाली हूँ, जब सिलूंगी ना तो फिर बताऊंगी आपको कैसा सिला है। तो ये देख सकते हैं इसका ब्लाउज का ऐसा है, फुल इसकी ना हाफ स्लीव है, स्लीव पे भी वर्क है तो बहुत ही प्यारा लगा। देखिए स्लीव का अलग दिया हुआ है इन्होंने कपड़ा और ये स्लीव पे कढ़ाई है दोनों साइड, एक ये देखिए ये है और एक ये है, तो बहुत ही प्यारा कपड़ा है और वर्क मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसमें लाइनिंग लगाने की जरूरत होगी अब ब्लाउज में। और साड़ी की बात कर रहे थे, वो साड़ी वाओ कलर बहुत सो प्रीटी कलर है, मैंने ब्लू कलर मंगवाया, इसमें 3 ऑप्शन थे, मेहरून था, रेड मेहरून था और ब्लैक था और ब्लू था, तो मुझे ब्लू अच्छा लगा। और लुक एट दिस की लेस, वाओ बहुत ही प्रीटी इसकी लेस है और इसका कपड़ा भी बहुत ही प्यारा है, ये देख सकते हैं जॉर्जेट में है और वर्क भी ऐसा है ना जो ये सीक्वेंस में है, ये निकलने वाला नहीं है, अगर वॉश करते हैं इसको तो ये निकलने वाला नहीं है। कई बार ना होता है सिपियाँ लगी होती है या जो वो वॉश करने में निकल जाता है, तो इसमें ना सीक्वेंस वर्क विद थ्रेड वर्क है, बहुत ही प्यारा है इसका। तो मैंने ये मंगाया, इसकी लेंथ भी बहुत ही प्यारी है इसकी, मेरे अकॉर्डिंग तो प्यारी है, ठीक है बाकी। और लेस का वर्क मुझे देख सकते हैं, ये देखिए मैं डाल के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए वाओ लुक एट दिस सो प्रीटी।
तो जब मैं इसका मेकअप ट्यूटोरियल डालूंगी ना, तब आप देखना कितना प्यारा इसका निकल के आता है। इसका भी कोड मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद मैंने मंगवाया था लहंगा, जिसकी शॉर्ट वीडियो वाली थी, बहुत ही वायरल गई है फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी और मीशो इस पे यूट्यूब पे भी, तो आप वो देख सकते हैं ना। तो वही लहंगा मैं लेकर आ गई हूँ। ये लहंगा मेरे पास ऑलरेडी था और एक और मंगवा लिया है मैंने, तो ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका लहंगा है। और इसकी फैब्रिक की मैं बात कर लेती हूँ, तो ये देखिए इसका ब्लाउज और ये दुपट्टा। तो ब्लाउज की बात करूँ, क्योंकि कई ब्लाउज थे जो अनस्टिच थे, बट वो स्टिच करवाने में पता नहीं वो अलग से प्राइस भी लेते और चार्जेस भी लेते, अलग सिलवाना पड़ता और वैसा सिल के देते नहीं सिल देते, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे थे जो इसमें ब्लाउज अनस्टिच आ रहा था, कपड़ा आ रहा था। तो ये मेरे को मिला है स्टिच, सिलाई बच गई ब्लाउज की, तो ये देख सकते हैं। और इसमें मिरर वर्क है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये ना आप साड़ी पे भी डाल सकते हैं, लहंगे भी डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। इसके बाद इसमें ना स्लीव भी दी हुई है, अगर आप स्लीव लगवाना चाहते हैं तो स्लीव लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विदाउट स्लीव भी पहन सकते हैं। इसमें स्लीव दी हुई है, आप स्लीव भी अटैच करवा सकते हैं, हाफ या नेट का, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। नेट का करवाना पड़ता है फिर आपको अलग से परचेज, क्योंकि जो मेरे पास पूरा दूसरे वाला है ना सेम यही, तो मैंने उसमें ना नेट की बाजू लगवा ली है। कोई दुपट्टा था मेरे पास पिंक कलर का नेट का, तो क्योंकि नेट का ना जो हम लोकल मार्केट से लेते हैं दुपट्टा, जो मैं इसे रिलेट कर पाता मुझे कमेंट बताना, तो हम जैसे लोकल मार्केट में लहंगा लेते हैं ना, तो उसका दुपट्टा छोटा आता था, तो उसमें से मैंने काट के उसमें से बाजू बना दी और उस दुपट्टे का मैंने उस लहंगे का ना दुपट्टा मैंने अलग से परचेज कर लिया था। तो ऐसा ऐसा कौन करता है मुझे कमेंट में बताना। तो इसके बाद ना मैंने ये दुपट्टा लिया, देख सकते हैं ये दुपट्टा मेरा ऐसा, जो मेरे पुराने वाला है ना वो मैं इसको पता नहीं किस किस तरीके से डाल लेती हूँ, सूट पे डाल लेती हूँ, लहंगे पे डाल लेती हूँ, साड़ी के साथ अटैच कर लेती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। और काफ़ी सारे सूट के साथ भी पहन लेती हूँ, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही सूट के साथ, मैं काफ़ी सारे सूट के साथ ट्राई कर लेती हूँ ये बनारसी लहंगे की, तो यही तो खास बात है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है और ये और भी लहंगों के साथ चला जाता है। और ये देखिए इस लहंगे की बात करूँ, इस लहंगे को आप अगर हाइट बताऊँ 5'5" भी है ना तो भी आपके डेफिनेटली आ जाएगा, अगर लार्ज साइज के हो ना तो आएगा, डबल एक्सएल हो तो नहीं आएगा आपको। ये देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं करवाना गाइस, कुछ भी नहीं। आप मैं कहूँगी कि 1% 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा इस लहंगे के लिए, और वर्थ इट है 724 या 749 आप प्राइस के अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि इसमें अप डाउन होता रहता है, तो ना वर्थ इट है वर्थ इट। तो इसमें बस क्या किया है मैंने, इसमें ना कुछ नहीं किया, बस यहाँ से एक अल्टर कर दिया है, सेमी स्टिच था, बस ये एक सिलाई मार दी है और ऑल ओवर ये पूरा पहन के ना बहुत ही प्यारा लगता है। और इसकी कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, बस यहाँ पे एक नाड़ा डालो और उसमें लटकन लगा दो, बस पहन के चले जाओ, कुछ भी नहीं करना। कई बार होता है हम लहंगा खरीदते हैं, अलग से बहुत सारे खर्चे होते हैं, ब्लाउज अलग करवाओ, लहंगा अलग करवाओ, तो उसमें भी काफ़ी सारा तामझाम निकलता है। इस लहंगे में कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, आप ये सोचो। ऐसे ही मैंने एक ब्लैक कलर का मंगवाया था, अगर वो नहीं देखा है ना तो उसका मैं अलग मीशो लहंगे वाला अंडर 1000 में मैंने डाला था लहंगे की वीडियो, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आइकन में डालूंगी, चेकआउट कर लेना। आप बताना मुझे इसने क्या अच्छा लगा, लहंगा अच्छा लगा, पैंट अच्छी लगी या साड़ी अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट बताना। और ये वाला सूट अच्छा लगा, तो बहुत ही प्यारा है। अगर कुछ भी खरीदना चाहते हो लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।